सभी खड़े हुए पंच पटेल युवा साथी कर्मचारी बंधुओं तथा मेरे समाज के लोग लाडले सभी मुंह मेहमानों, आप सब आज इस मीटिंग में पधारे। लेकिन मुझे एक बात थोड़ी खड़क रही है कि एक तरफ तो हम एकता की बात करते हैं और हम आपस में ये लड़ रहे, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी बात करे एक आदमी करे, बाकी सब सुने, उसके बाद में आप निर्णय करें कि जो बात बताई है वो सही है कि नहीं। ऐसे आओ करने से हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, उल्टा मतलब दूरियां बढ़ती है। तो ऐसा ना करें और एकता में रह करके कोई भी बात करें ताकि उसका समाधान हो सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सभी कहते हैं और मैं भी कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी करें अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। हमारे 100% में से मैं मानता हूँ 2 या 4% लोग सक्षम हो गए, बाकी 96% लोग बिल्कुल आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही कमजोर है। तो आप मतलब अपने पास दूसरी को व्यापार तो है नहीं ताकि हम आगे आ सके। हमारे पास एक बड़ा हथियार है, वो है शिक्षा का। आप मेहनत मजदूरी करो, अपने बेटा और बेटी में फर्क ना करते हुए उनको पढ़ाओ, तो कल उठ के वो सरकारी नौकरियों में जाएंगे, अच्छा सा कोई धंधा भी कर सकते हैं, और मानो जैसे खेतीबाड़ी भी करेंगे तो वो भी व्यवस्थित तरीके से करेंगे। तो शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम संगठन कितने भी चला लें, संगठन ठीक है, किसी के ऊपर आपत्ति आ गई तो धरना प्रदर्शन तक सीमित है। सरकार के चलाने में मतलब संगठन काम कर सकते हैं, लेकिन समाज को आगे लाने में, समाज को बढ़ाने में संगठन काम नहीं कर सकते। क्यों? कि संगठनों के पास वो शक्ति नहीं, वो शक्ति कहाँ है, वो है राजनीति में। जब तक हमारे समाज के लोग राजनीति में MLA, MP, जिला डेलीगेट, तहसील डेलीगेट, सरपंच ये नहीं होंगे, तब तक हम संपन्न नहीं हो सकते, आगे नहीं आ सकते। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जनरल का मतलब होता है सभी जात। जब जैसे जब सरपंच की सीट आ गई कि जनरल की सीट है और यहाँ हम भील समाज के लोग तो नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं है। क्यों? कि जनरल का मतलब है सभी के लिए। तो जहाँ भील बावली हो वहाँ अपने सरपंच खड़े करो, सब एकता में रह करके एक आदमी को चुनो और दूसरों की बातों में मत आओ। तो मतलब मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि मतलब ऐसा कोई गांव या पंचायत नहीं होगी जहाँ भील बावली नहीं है और एकता में ये संभव है। तो आप ये टांग खिंचाई वाली बात छोड़ें और एकता में रहें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। हमारे पास शक्ति है लेकिन उस शक्ति का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस शक्ति का उपयोग करना है। हमें जो हमारे आपस में जो दबिश्ता है उसको भूलना है, ऐसे मौके पे उस दबिश्ता को भूलना है और देखना है कि सामने वाला उम्मीदवार हमारा भील भाई है, तो पहले प्राथमिकता उसको दे, उसके बाद में दूसरी बात। तभी मतलब जब हमारे सरपंच हमारे होंगे, डेलीगेट हमारे होंगे, प्रधान, MLA, MP ये हो सकता है, लेकिन ये तब संभव है जब हमारे में शिक्षा और एकता होगी। और मैं आप सबसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा इस पे ही बल। जब ये पृथ्वी की रचना हुई ना, तो उसमें सबसे पहले कौन उत्तर हुआ? भील ही आया था। ये बाकी दूसरी कास्ट है तो बाद में आई, यहाँ का मूल मालिक तो अपने वजूद को भूल गए। क्यों? कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं और अपने भाई की बात को नहीं समझते और उनकी बातों को मान लेते हैं। तो ये अपने समाज में बहुत बड़ी बुराई है मैं समझता हूँ। तो इस बुराई को आप दूर करें, क्योंकि भाई कभी भाई का बुरा नहीं चाहेगा। भाई भाई को लड़ाने का काम कौन करता है? जिसको स्वार्थ हो, वो चाहता है कि रखो ताकि हमारे अंदर हमारे अधीन रहेंगे, हम जैसा करेंगे कहेंगे वैसा करेंगे। तो मतलब इन बातों को आप गौर करें। और बाकी देखो, मैं भी कुंभलगढ़ विधानसभा से ये लोग लेके आए मेरे को चुनाव में, मैं तो खुद वहाँ मतलब मेरे वहाँ कोई कमी नहीं, मैं वहाँ सांतुर का, जालौर जिले से सांतुर का रहने वाला हूँ और अपना वहाँ खेती बाड़ी का और अच्छा काम है, अच्छा नाम है।
लेकिन ये सुनीलाल जी वगैरह उधर आए और इन्होंने कहा कि आप तो कुमलगढ़ पधारो, आओ हमारे क्षेत्र में। तो मैंने इधर आया, मैंने देखा कि वास्तव में यहाँ के भीलों की स्थिति बहुत ही खराब और दयनीय है और मुझे मतलब इनके हेतु कार्य करना चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर के मैं आया हूँ, मुझे दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं मेरे क्षेत्र में MLA से भी पावरफुल हूँ, ये जो वहाँ आए वो जानते हैं, बराबर ने। बाकी मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, बस शिक्षित बढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष अपने हक के लिए करो और एकता में रहो। जय आदिवासी। आप कुछ कहना चाहते हैं सर?